सो फ्रेंड्स, आपने मूली की रेसिपीज तो कई तरह से खाई होंगी, मूली के पराठे, भुजिया या दाल के साथ। पर आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूली की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है और इसे जिसको कुकिंग नहीं आती वो भी बना ले। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे सिंपल से दो इंग्रेडिएंट, सिर्फ साबुत लाल मिर्च टूटी हुई और थोड़ा सा लहसुन। हमने सबसे पहले ऑयल गरम करा है जिसमें हमने डाले हैं कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने पर हम उसमें डाल देंगे अपनी टूटी हुई लाल मिर्च। दोनों चीज़ों के ऊपर अच्छा सा कलर आने के बाद हमें इसमें डालने हैं जो हमने मूली के पत्तों को काट के रखा था। मूली के कटे हुए सारे पत्ते डालने के बाद हमें इसको अच्छे से करना है मिक्स। आज को हमें मीडियम ही रहने देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें चाहिए होंगे दो और इंग्रेडिएंट्स। अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। दोनों चीज़ों को डालने के बाद इनसे हमें भुजिया को करना है अच्छे से मिक्स। जब हमारी भुजिया अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें इसे मीडियम आंच पर 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है कवर करके। 15 मिनट के बाद आपकी भुजिया का पानी सूख चुका है और इसे थोड़ी देर और भूनिए, आपकी मूली की भुजिया तैयार है ना कितनी सिंपल।